हेलो एवरीवन वेलकम नाउ वी विल स्टडी द सब्जेक्ट रिसेंट एडवांसेस ऑफ द डीआरटी पार्ट सेकंड जिसमें अपन अल्ट्रासोनोग्राफी दैट मींस यूएसजी पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी आगे का पढ़ने से पहले एक बार जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको शॉर्टली रिवाइज कर लेते तो लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था अपन ने इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में अपन ने यही पढ़ा था कि अल्ट्रासाउंड वेव्स की सहायता से किया जाने वाला डायग्नोस्टिक प्रोसेसर जिसमें अपन ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिर कोई भी डिजीज को डायग्नोस करते हैं उस प्रोसेजर को अपन अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं ठीक है देन उसके बाद में अपन ने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था बेसिक प्रिंसिपल में यही था कि अल्ट्रासोनोग्राफी जो प्रोसीजर है वो किस सिद्धांत पे वर्क करता है तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो थी अल्ट्रासाउंड वेव्स यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स की सहायता से यहाँ पे अपन ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कोई भी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है या फिर कोई भी डिजीज कंडीशन है उसको अपन डायग्नोस करते हैं ठीक है फिर बेसिक प्रिंसिपल पढ़ने के बाद में हमने अल्ट्रासाउंड वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ या फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया था जिनमें से फर्स्ट अपनी थी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव उसके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था वहाँ पे अपन ने यह पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है अल्ट्रासाउंड वेव की वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द मटीरियल और वहाँ पर अपन ने ये भी पढ़ा था कि जिस मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की वेलोसिटी ज़्यादा पाई जाएगी और जिस मटेरियल की डेंसिटी कम होगी वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की वेलोसिटी कम पाई जाएगी दूसरा इसको अपन ने कंप्रेसिबिलिटी से भी रिलेट किया था कंप्रेसिबिलिटी यानी कि कंप्रेशन कितना हो सकता है आपके मटेरियल में अगर अपन बात करें कंप्रेसिबिलिटी और डेंसिटी तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि जिस मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी कम होगी और जिस मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी ठीक है तो यहाँ पे अपन ने बात की कि वेलोसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है डेंसिटी के जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की वेलोसिटी ज़्यादा अब डेंसिटी आपकी कंप्रेसिबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपकी जो अल्ट्रासाउंड वेव की वेलोसिटी है वो भी कंप्रेसिबिलिटी के क्या होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यही अपन ने पीछे की क्लास में डिस्कस किया था ठीक है दूसरी अपन ने बात की थी एम्पलीट्यूड की एम्प्लीट्यूड क्या था कि कोई भी मीडियम से जब अल्ट्रासाउंड वेव गुजरती हैं तो वहाँ पे कोई भी जो पार्टिकल उसका मीन पोजीशन यानी उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ से वो कितना डिस्प्लेस होता है वही क्या कहलाता है एम्पलीट्यूड कहलाता है और एम्पलीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव ठीक है इसके बाद में अपन ने बात की थी थर्ड जो अपना टॉपिक था वो था अकोस्टिक इम्पीडेंस अकोस्टिक इम्पीडेंस क्या था अकोस्टिक इम्पीडेंस एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग आपकी अल्ट्रासाउंड वेव्स मीडियम से इंट्रैक्ट करती हैं यानी कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स किस तरह से उसके साथ इंट्रैक्ट करती हैं ठीक है ये तो अपन ने बात की थी पीछे के टॉपिक की अब आगे अपन पढ़ेंगे इंट्रैक्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव्स विद मैटर ऐसा कि अपन ने अकोस्टिक इम्पिडेंस में बात की कि मीडियम के टाइप पे डिपेंड करता है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स किस तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है अकोस्टिक इम्पीडेंस अब अपन बात करते हैं कि वो मीडियम से किस तरीके से इंटरेक्ट करती है ठीक है अल्ट्रासाउंड वेव्स यूजुअली है फॉलोइंग इफेक्ट आर एज इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इट मीन्स कि जो अकोस्टिक इम्पीडेंस है मटेरियल वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उसके बाद में मीडियम से होने वाले अल्ट्रासाउंड के जो इंट्रेक्शन्स है वो भी इम्पोर्टेंट है किस रीज़न के लिए कोई भी अल्ट्रासाउंड की डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करने के लिए ठीक है यहाँ पे वही जो इंट्रैक्शनस है वो हेल्पफुल होते हैं इमेजिंग के अंदर वो तीन प्रकार के होते हैं फर्स्ट आपका रिफ्लेक्शन सेकेंड रिफ्रैक्शन एंड थर्ड अटेन्यूएशन ठीक है सबसे पहले अपन बात करते हैं रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन के बारे में अपन ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि कोई भी वेव है वो जब किसी भी मीडियम से टकराती है तो टकरा के उसी एंगल से वापस आना क्या कहलाता है उस वेव का रिफ्लेक्शन कहलाता है सेम यहाँ पे होगा यहाँ पे आपकी कौन सी वेव्स है अल्ट्रासाउंड वेव है अल्ट्रा साउंड वेव, वेव बॉडी के अंदर एंटर होंगी बॉडी के अंदर मीडियम है अलग अलग वो मीडियम से इंटरेक्ट होगी और वहाँ पर क्या होगा कुछ वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं तो उसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन वैन अल्ट्रासाउंड वेव ट्रेवल फ्राम वन मीडियम टू अनदर मीडियम दैन अ पार्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड बीम एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक ड्यू टू द डिफरेंट डेंसिटीज एंड डिफरेंट अकोस्टिक इंपिडेंस दैन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड दैट मीन्स कि जब आपकी अल्ट्रासाउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उस अल्ट्रासाउंड बीम या फिर अल्ट्रासाउंड वेव का कुछ पार्ट क्या होता है वापस की तरफ रिफ्लेक्ट होके आता है उसका रीज़न क्या है डिफ्रेंस बिटवीन द डेंसिटीज यानी वो जो दो मीडियम है जहाँ पे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है उन दोनों मीडियम के बीच का डिफरेंस और उन दोनों मीडियम की प्रॉपर्टी अकोस्टिक इम्पिडेंस का डिफरेंस उसी कारण कुछ साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर बैक आती हैं इसी फिनोमिना को यानी इसी घटनाक्रम को अपन क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन इज दैट फर्स्ट मीडियम शुड हैव लो जेड वैल्यू एंड सेकेंड मीडियम हैव हाई जेड दैट मीन्स कि अल्ट्रासाउंड के रिफ्लेक्शन के लिए कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट है इसके लिए मेन कंडीशन इंपॉर्टेंट यही है कि जो आपका फर्स्ट मीडियम है उसका अकोस्टिक इंपीडेंस यानी जेड की वैल्यू कम होनी चाहिए किससे से सेकेंड मीडियम से ठीक है अगर ये कंडीशन पॉसिबल होती है तभी आपकी अल्ट्रासाउंड वेव रिफ्लेक्ट होंगी अदरवाइज़ वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी फिर बाकी के जो अदर दो फिनोमिना या फिर दो इंट्रेक्शन बचते हैं वही वहाँ पे होंगे रिफ्लेक्शन ओबेज स्नेल्स लो रिफ्लेक्शन किसका रूल फॉलो करता है स्नेल का लो जो अपन बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जिस एंगल से आपकी इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होती है यही आपका क्या था स्नेल्स का लो था जैसा कि अपन अब डायग्राम में भी दे सकते हैं डायग्राम में आपके पास दो मीडियम है मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकेंड मीडियम फर्स्ट की वैल्यू है जेड वन अकोस्टिक इंपिडेंस की मीडियम टू की है जेड वन एक सेपरेटिंग सरफेस है जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है जैसे ही आपकी इंसिडेंट बीम आती है वो सेपरेटिंग सरफेस से टकराती है और रिफ्लेक्ट होके चली जाती है यहाँ पे दो एंगल होते हैं ठीक है इंसिडेंट एंगल और एक रिफ्लेक्टेड एंगल स्नेल्स लो ये कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज ईगोल टू सी वन अपॉन सी टू इज टू जेड वन अपॉन जेड टू यानी कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वही आपका क्या होगा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा सीवन सीटो यहाँ पे क्या है वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ द यू एस बीम जेड वन एंड जेड टू आर द अकोस्टिक इम्पीडेंस द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ एन अल्ट्रासाउंड इज नोन एज इको अब ये जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है जो बीम इसको अपन अल्ट्रासोनोग्राफी में एक स्पेशल वर्ड से जानते हैं जो वर्ड है इको इको के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे और आपकी जो अल्ट्रासाउंड जो इमेजिंग होती है उसके अंदर मेन फंक्शन जो आपका होता है या फिर मेन जो रोल होता है वो किसका होता है इसी रिफ्लेक्टेड बीम का होता है जिसके कारण आपको किसी भी बॉडी ऑर्गन की इमेज प्राप्त होती है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ द मैटर ठीक है रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं अपन रिफ्रैक्शन इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड बीम रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी वेव ट्रेवल करती है तो डिफरेंस बिटवीन द अकोस्टिक इंपिडेंस और डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज इन्हीं रीजन्स के कारण वो क्या करती है अपनी वेलोसिटी में चेंज करती है और उसके वे के अंदर चेंज होता है यानी उसके एंगल में चेंज होता है वो डेविएट होती है इसी कंडीशन को अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं रिफ्लेक्शन में क्या होता है टकरा के वापस आती है और रिफ्रैक्शन के अंदर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है उसी फिनोमिना को अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं इट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द अकोस्टिक इम्पिडेंस ऑफ टू मीडियम विच डज चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड दैट मीन्स ये किसके कारण होता है डिफरेंस बिटवीन टू अकोस्टिक एम्पिडेंस कोई भी दो मटेरियल के अकोस्टिक एम्पिडेंस में डिफरेंस होने के कारण जिसके कारण अल्ट्रासाउंड की वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है और उसकी डायरेक्शन में भी क्या हो जाते हैं चेंजेस आ जाते हैं सो दैट वैन अल्ट्रासाउंड बीम ट्रांसमिटेड थ्रू अ सेपरेटिंग सरफेस ऑफ टू मीडियम इट्स गेट्स डेविएटेड यानी जैसे ही कोई भी दो मीडियम सेपरेट करने वाली सरफेस के बीच में से जब आपकी अल्ट्रासाउंड वेव ट्रांसमिट होती है तो वो क्या करती है अपने पाथ के अंदर डेविएशन लाती है यानी वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है इसी रिफिनोमिना को अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं रिफ्रैक्शन इज नॉट यूजफुल फॉर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग अल्ट्रासाउंड की इमेजिंग के अंदर रिफ्रैक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है जैसा कि अपन डायग्राम में समझ सकते हैं मीडियम फर्स्ट है आपका और मीडियम सेकेंड है इंसीडेंट रे आती है जैसे ही वो मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड के सेपरेटिंग सरफेस से टकराती है तो वो उसके पाथ के अंदर डेविएशन आता है वो खुद डेविएट होती है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड इंट्रेक्शन ऑफ द मैटर अटेनशन अटेनशन के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा था रेडिएशन फिजिक्स के अंदर एच वी एल और टी वी एल के टाइम पे ठीक है अटेनशन क्या होता है नॉर्मली अपन बात करें तो कोई भी बीम रेडिएशन वेव जब किसी भी मैटर से टकराती है तो वहाँ पे क्या होती है दो प्रोसेस होती है एक होती है स्कैटरिंग और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन दोनों का समेशन यानी दोनों का सम दोनों का जोड़ी क्या कहलाता है अटेनशन कहलाता है सेम वही अटेन्यूशन यहाँ पे है अटेनशन इज द लॉस ऑफ अल्ट्रासाउंड एनर्जी वैन इट पासिस थ्रू द मीडियम यानी कि जब किसी भी मीडियम से अल्ट्रासाउंड गुजरती है तो उसकी एनर्जी में जो लॉस होता है वही क्या कहलाता है अटेनशन कहलाता है अटेनवेशन इज देशन ऑफ एबजॉर््शन एंड स्कैटरिंग ऑफ द अल्ट्रासाउंड बीम इन द मीडियम यानी मीडियम के अंदर अल्ट्रासाउंड बीम का एबजॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग इन दोनों का समेसन ही क्या कहलाता है अटेनवेशन कहलाता है अटेन वेरीज विद टिश्यू टू टिशू एंड इट आल्सो इंक्रीज विद फ्रिक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रासाउंड बीम ट मीन्स जैसे अपन टिश्यू से दूसरे टिश्यू में यानी एक डेंसिटी से दूसरे डेंसिटी के मटेरियल में एंटर करेंगे तो आपकी जो अल्ट्रासाउंड वेव का जो अटेन्युएशन है वो क्या होगा वेरी होगा यानी कि बदलेगा और जैसे जैसे अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी अटेन्युएशन बढ़ता हुआ दिखेगा अटेनुशन इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्शन प्लस स्केटरिंग अटेनुएशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी अभी अपन ने पढ़ लिया ऊपर ये सब चीज़ें नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द अबो लाइन वी कैन से दैट द डीपर ऑर्गन स्टडीज नीड्स लेसर फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड बीम एंड सुपरफिशियल स्टडीज नीड हायर फ्रिक्वेंसी दैट मीन्स कि अपन ने पढ़ा कि जो फ्रिक्वेंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अटेनएशन जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा अटेनशन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो डीप में जो ऑर्गन है अगर अपने को उसकी स्टडी करनी है तो अपने को क्या करना होगा फ्रीक्वेंसी कम रखनी होगी ताकि उस अल्ट्रासाउंड बीम का कम से कम अटेनशन हो और वो डीप में जो ऑर्गन है उस तक पहुँचे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करे डायग्नोस करे ठीक है सिमिलरली अगर अपने को कोई सुपरफिशियली ऑर्गन देखना है तो अपन क्या रखेंगे अल्ट्रासाउंड बीम की बीम की फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रखेंगे यहाँ पे ठीक है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ यू एस फॉर इमेजिंग अब अपन बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड वेव का प्रोडक्शन कैसे होता है यानी अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर जो अपन अल्ट्रासाउंड काम में लेते हैं उसका प्रोडक्शन कैसे होता है प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड फॉर डायग्नोस्टिक परपेज इज डन बाई द ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासोनोग्राफी प्रोसीजर के अंदर अल्ट्रासाउंड का प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है ट्रांसड्यूसर के द्वारा किया जाता है ड्यूसर को अपन एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि है प्रोब यानी कि जो आपका अल्ट्रासोनोग्राफी का जो प्रोब होता है वो क्या करता है अल्ट्रासाउंड का प्रोडक्शन करता है ट्रांसड्यूसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट मींस कि आपका जो ट्रांसड्यूसर है वो किस सिद्धांत पे वर्क करता है पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब ये पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे ट्रांसड्यूसर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म दैट मीन्स ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करती है ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल इंटू अनर्जी इंटू मैकेनिकल अनर्जी दैट मीन्स ट्रांसड्यूसर मैकेनिकल एनर्जी यानी कि साउंड वेव्स को किसमें कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल अनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी यानि कि इलेक्ट्रिसिटी को वो किस में कन्वर्ट कर सकती है मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं साउंड वेव्स को दैट मीन्स कि आपका जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को साउंड वेव्स में करता है किस प्रिंसिपल के बेस पे पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे ठीक है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीजियो इलेक्ट्रिक वर्ड इज मेड अप ऑफ पीजियो प्लस इलेक्ट्रिसिटी विच मीन्स प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक करंट पीजियो इलेक्ट्रिक वर्ड दो वर्ड से मिलकर बनाए पीजीओ प्लस इलेक्ट्रिसिटी पीजियो का मीन्स होता है प्रेशर दैट मीन्स साउंड वेव्स एंड इलेक्ट्रिसिटी का मीन होता है इलेक्ट्रिक करंट ठीक है इन नेचर सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आर फाउंड विच वर्कस ऑन द प्रिसिपल ऑफ पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेचर के अंदर कुछ ऐसे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जो पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे वर्क करते हैं इट मीन्स दैट व्हेन वन सरफेस ऑफ दीज क्रिस्टल्स इज सस्पेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक करंट और अप्लाइड वोल्टेज दैन द अपोजिट सरफेस ऑफ दीज क्रिस्टल प्रोड्यूस मैकेनिकल कंप्रेशन और अल्ट्रासाउंड बीम दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो क्रिस्टल्स हैं जो किस पे वर्क कर रहे हैं पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे जब इन क्रिस्टल की एक सरफेस को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है या फिर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो इनकी जो दूसरी सरफेस है वहाँ से क्या निकलती हैं मैकेनिकल वेव्स निकलती हैं मैकेनिकल कंप्रेशंस निकलते हैं जिनको अपन अल्ट्रासाउंड बीम भी बोलते हैं सिमिलरली वैन वन सरफेस ऑफ दिस क्रिस्टल इज सस्पेक्टेड टू द मैकेनिकल कंप्रेशन ऑपोजिट सरफेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इन्हीं क्रिस्टल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रोसेस इनमें बाईस वर्षा होती है यानी कि जब आप इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हो तो दूसरी सरफेस से साउंड वेव्स निकलती हैं और जब आप साउंड वेव्स प्रोवाइड कराते हो तो इनमें से क्या निकलती है इलेक्ट्रिसिटी निकलती है ठीक है ए टिपिकल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर कंटेन पी इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आया समझ में कि जो आपका ट्रांसड्यूसर है वो किस पे काम कर रहा है पी इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे काम कर रहा है और कुछ क्रिस्टल्स हैं जिनको अपन बोलते हैं पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स वो भी किस पे वर्क करते हैं पीजियो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे दैट मीन्स कि ट्रांसड्यूसर के अंदर जो क्रिस्टल्स काम में लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल आर आल्सो टू टाइप्स दो प्रकार के होते हैं एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल नॉर्मली सभी समझते हो नेचुरल जो प्रकृति के अंदर अवेलेबल होते हैं आर्टिफिशियल जो अपन लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल ए लेट जिलकोनेट टाइटेनेट पोलिनाइलिडिन फ्लोराइड पी और नेचुरल का एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे क्वार्स क्रिस्टल्स ओवरऑल वी कैन से दैट अ टिपिकल ट्रांसड्यूसर डज बोथ फंक्शन ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि एक ट्रांसड्यूसर क्या करता है प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड का प्रोडक्शन भी कर सकता है और डिटेक्ट भी कर सकता है क्योंकि इसके अंदर दोनों प्रोसेस होती हैं ये अल्ट्रासाउंड को इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को अल्ट्रासाउंड में भी कन्वर्ट करता है Thank you.